वैसे मजाक अपनी जगह, पर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। पापा ने समझाया, तुमने कर दिखाया। That's the important bit. I'm really proud of you. Thanks यार, but तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अपने साथ साथ हमारी जंग भी लड़ती हो और हम अपनी टेंशन में पड़े रहते हैं। हाँ, अब किसी को तो सोचना है, वरना ये दुनिया कैसे चलेगी? ये ड्यूटीज ऊपर वाला लगाता है। खैर सुनाओ, तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है जिसको तुम अपनी पॉकेट मनी से फंड करती हो? हैं कुछ इश्यूज, पर हो जाएंगे सॉल्व। एनीथिंग आई कैन डू? फिलहाल तुम पे डबल प्रेशर है, तुम वही ठीक से हैंडल कर लो, बहुत है। फिर भी एनीथिंग, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद हैंडल करती हूँ। डूड, यही तो तुम्हारी गलत सोच है। औरों की हेल्प करना उन सब पे लाजिम होता है जिनको किसी कॉज के बारे में पता चल जाए। और अगर तुम्हारे जैसे लीडर सिर्फ यही सोचें कि हर चीज मैं खुद कर लूंगी, तो रेवोल्यूशंस कैसे स्टार्ट होंगी मैडम? राइट। फिर वही बात, बता दूंगी, सोच लूंगी, देख लेंगे, ऐसे नहीं होता है। नहीं तुम, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। मैं कुछ जिंगल बनाता हूँ। हाँ जिंगल बनाते हैं और कोई नाम सोचते हैं, नाम क्या होगा इसका? चलो जल्दी बताओ, लेट्स गेट सम आइडियाज। मुझे लगता है आज सच में पूड़ियों में कुछ मिला हुआ था। यार तुम पागल होगे, तुम मेरी सवाल का जवाब दो बस, नाम क्या हो सकता है, देन विल गो फ्रॉम देयर। Are you sure? Yes, Bilal. एक लम्हे के लिए मुझे लगा था कि you're acting really weird with Sir Adnan. ऐसा क्यों लगा आपको? बिलाल, बस तुम्हारी आंखें देख के डर लग रहा था। I'm sorry, ma'am. मैंने Sir Adnan से तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं की ना। I mean, बात करनी चाहिए थी ना, like तुम्हें आके रुकना चाहिए था, थोड़ी बात करनी चाहिए थी। कोई और इंसान होता उन्हें अजीब लगता, but I mean it's okay, he didn't mind, he's a gentleman. मैम आपके कितने अच्छे दोस्त हैं। दोस्त तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कितने अच्छे दोस्त हैं। तो आप उस वक्त का इंतजार कर रही हैं? मेरा मतलब है क्या आपको Sir Adnan अच्छे लगते हैं? जाहिर है, इसीलिए तो मेरे दोस्त हैं। आपने तो कहा था ज्यादा दोस्त नहीं बनाती। I mean, friendly तो मैं सबके साथ हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, लेकिन you're right, इस शहर में मेरे सिर्फ दो दोस्त हैं। एक Sir Adnan और तुम? मेरे साथ तो कभी शाम को बाहर गई नहीं आप। अच्छा, तुमने कभी बुलाया ही नहीं, और अब तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं ना, आपकी यादें बनती हैं, मेमोरीज बनती हैं। मैं तुमसे तब मिलूंगी जब तुम्हें चीजें याद रहें, ताकि हम जो भी मेमोरीज बनाएं तो वो संभाल के रखो। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो बिलाल, हेलो संडे संडे संडे, दोस्तों से मिलने का दिन, शुगर लगाने का दिन, एंजॉय करने का दिन। संडे मैसेज, किस दोस्त का मैसेज आया है? ये तस्वीर और पासवर्ड भी बदल दिया दादी। दादी हो है तू, क्या पहन के आ गया कच्छा? दादी ये
कच्छा नहीं बड़ी महंगी निकल रही है। पुत्र तू अपने दादा की ना धोती पका लेता, वॉशन वेयर थी, गर्मी भी नहीं लगनी थी। मैं क्यों पहनूंगा दादाजी की धोती? तेरे पे बड़ी लाश लगनी थी। खैर वो छोड़े, मुझे बताए कहाँ है ये? ये फौजिया। हाँ जी। ये बेटा शॉपिंग करने गई है। फोन दे अपना, कॉल करें इसे वापस बुलाएं। पुत्र वो क्या है कि मेरे फोन पे ना वो प्रोजेक्शन लगाने गई है। यानी आपके पास आपका फोन नहीं है? नहीं। और प्रोजेक्शन नहीं दादी, प्रोटेक्शन होता है। और इस लड़की को के अपने ऊपर लगवा के आए, ये देखें आप, ये देखें, आपका फोन तो ले गई है और मेरे फोन ने वॉलपेपर चेंज करके पासवर्ड तक बदल गई है। बेटा बड़ी प्यारी लग रही, इसलिए लगा के गई है, तेरे दिमाग में यही घूमती रहे। दादी मैं नहीं चाहता वो मेरे दिमाग में घूमे। और उसे बोलिएगा अगर ये सब चलता रहा ना तो की कर लेगा तू? मर्डर। या अल्लाह बच्चा बड़ा क्रिमिनल हो गया, पता नहीं नाश्ते च की खादा। मेरा ख्याल है मैं दोबारा विरद शुरू करा। थैंक यू बिलाल यार घर इनवाइट करने के लिए। हाँ यार बिलाल, परदेश में तो ना छुट्टी वाला दिन गुजरता ही नहीं है। अब वैसे तुम लोग से एक बात पूछनी थी। हाँ दो पूछ। वैसे भी तूने अपने घर का इतना अच्छा खाना खिलाया, तू तो बस पूछता जा। अगर कोई इंसान किसी से कुछ कहना चाहे लेकिन उसे अल्फाज ना मिले तो क्या करे? वही हमारे वाला मसला। हम जब नए नए आए थे ना तो हमें भी समझ नहीं आती थी कि इन इंग्लिश दोस्तों के साथ बात कैसे करें और जवाब क्या दें। फिर अल्फाज ही खत्म हो जाते थे। फिर जब अल्फाज समझना है तो जज्बात समझ में आते हैं। क्योंकि जज्बात तो जानवरों को भी समझ में आते हैं, लेकिन ना एक मसला है। क्या? सिचुएशन। देख दुनिया का ना सबसे बड़ा आर्ट है कि इंसान को किसी सिचुएशन से निकालना, फिर उसे ये समझाना कि क्या सही है क्या गलत। ये तो बहुत ही बड़ा आर्ट है, क्योंकि अगर जानवरों को समझ में ना आए तो वो काट लेते हैं, और अगर इंसानों को समझ में ना आए तो वो खुद से कट जाते हैं। हमें बस इंसान को बुरी सिचुएशन से निकाल कर सही सिचुएशन की तरफ लेकर आना है। You guys are very smart, huh? क्यों अब तक शक था? शक था कि समझदार हो इसलिए दोस्त बनाया, लेकिन अब यकीन आ गया। यार हमें भी ना वैसे तेरे घर का खाना खा के यकीन ही हो गया कि तू बड़ा समझदार है, बेवकूफ नहीं है। यार बात असल में दिल की है। बात इतनी ही सिंपल और इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है जब बात दिल की होती है, और जब तक सामने वाला आपकी बात दिल से सुनने के लिए तैयार ना हो ना तब तक तो बिल्कुल भी रिस्क ना लो, वरना थोड़े बहुत से भी जाओगे वही सामने वाला इंसान घबरा के कट जाएगा। और किसी के लिए भी ये कहना सबसे सिंपल होता है कि सुनो तुम दोस्ती का गलत मतलब ले गए। तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो भी कुछ सुनना चाहती है? अब उसको ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो, और आपका मैच कैसा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। उन्होंने तो और कंफ्यूज कर दिए। भाई कितने ऑप्शंस हैं उसके पास, पहले ये देखो फिर उसे खुद से कंपेयर कर लो। तुम दोनों ने तो मेरे लिए और मुश्किल कर दी है, वो ऑलरेडी इतनी परफेक्ट है, उसे और क्या ऑब्जर्व करूं? तो अब फिर खुद को उसके काबिल बनाओ। वैसे है कौन हम उसे जानते हैं? ये मैं नहीं बता सकता। तो भाई फिर एक ही रास्ता है। क्या? टेक द रिस्क और लूज द चांस। वाओ ये तो बड़ी कोई फिल्मी फैमिली निकली। फिल्मी नहीं, ब्लेस्ड हैं। आजकल की दुनिया में भी वो सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि औरों की खुशी के लिए भी मेहनत करते हैं। वैसे बहुत बड़ी बात है कि एनी यतीम और गरीब बच्चों के लिए इतनी एफर्ट कर रही है। यू गाइस शुड हेल्प हर। एनी इज अ ट्रू फाइटर। जब तक हालात बहुत मुश्किल ना हो जाए ना तब तक हेल्प नहीं मांगेगी। वाह भाई आप तो एनी को बाकी सबसे बहुत अच्छा समझते हैं। बाकी सब भी तो दोस्त हैं और यहाँ ना यहाँ ना वहाँ। याद रखना ये, कभी भी यहां वहां की बातें और दोस्ती को मिक्स नहीं करना, वरना ना दोस्ती रहेगी और ना दोस्ती रहेगी। समझ गई भाई।
लेकिन इन सारी बातों का एक और पहलू है जो अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो क्या है मैडम? आप एनी की फैमिली से बहुत इम्प्रेस्ड है ना? वो है ही ऐसे, अंकल एंड आंटी आर द परफेक्ट कपल। एग्जैक्टली माय पॉइंट। वो दोनों हर चीज को समझ के प्यार से हैंडल करते हैं। वो दोनों खुश हैं इसलिए सब खुश हैं। हाँ, तो? तो ये भाई कि वो दोनों अपनी लाइफ में इतना खुश इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और एक अच्छी दोस्ती एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझे? Let me get some snacks. सुंबल की बात सुनकर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, मगर दूसरे ही लम्हे वापस समझ लिया। माना हर रिश्ते में दोस्ती की सबसे ज्यादा अहमियत होती है, मगर वो दोस्त जो एक्चुअली दोस्त होता है उस जैसा कोई नहीं होता, क्योंकि दोस्त बेमतलब होता है और उसे आप खुद ही चुनते हो। बस पड़ गए सोच में। सोच ये रहा था मैडम कि बच्चे भी ना बच्चे ही होते हैं, एक ही डायरेक्शन पे सोचते हैं। और आप तो दादा अब्बू हैं, तो आप ही बता दो मुझे डायरेक्शन। तो याद रखना लिटिल प्रिंसेस। क्या याद रखूं? भूल गया। मैं बता रही हूं ना, आपका दिमाग आजकल कुछ हिला हुआ है। चुप करो। हाँ याद आ गया, जाओ मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री कर दो। ये जो बात बदली है ना आपने, पहले खुद समझ लें फिर मुझे समझाइएगा। कहा ना छोटी हो तुम अभी इन सब बातों के लिए, अभी के लिए तुम जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो। सही बात है, बाकी सारी चीजों के लिए मैं छोटी हूँ और आयरन करने के लिए मैं छोटी नहीं हूँ, छोटों की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। चलो चलो, जैसे कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना हो, ये वैसे ही पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ हो जाए। लेकिन मैं इस बारे में सोच भी क्यों रहा हूँ? नो 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 वहाज नो। ऑल दैट मैटर्स इज दैट वी आर फ्रेंड्स। यस, ऑल दैट मैटर्स इज दैट वी आर फ्रेंड्स। एक तो ये नोमान और साथ ने मुश्किल और बढ़ा दी, अब क्या करूं? मैं कुछ मदद करूं? कौन? ये तो मैं ही हूं। हाँ मैं तुम हूं और तुम मैं हूं, समझो हम एक ही है। जारा को लेके अपसेट हो? तुम्हें कैसे पता? मैं हर वो चीज जानता हूं जो तुम जानते हो। ले, फिर क्या फायदा? मैं हर वो चीज भी जानता हूं जो तुम जान के भी अनजान बनते हो। भाई जल्दी बता, सुबह बहुत जल्दी उठना है, तो जितना जल्दी हो सके खुद को बदल लो, उससे क्या होगा? वो सब जो तुम चाहते हो। और क्या क्या बदलना होगा? हर वो आदत जो तुम्हें सुकून पहुंचाती है, यानी मर जाऊं। भाई ये तो तुम पर है कि धीरे धीरे करके मरना चाहोगे या एक ही कोशिश में। तुम आसान लफ्जों में कुछ समझा सकते हो? मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीकेंड का जितना इंतजार होता है, मंडे मॉर्निंग की भी इतनी ही एक्साइटमेंट होती है। लेकिन ये वो गेट है जहां से आते तो सब खुश खुश हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खुश रह नहीं पाते। जैसे कि सर ये तो बहुत बोरिंग है, आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यस सर, और वैसे भी हमारे मैथ पढ़ने से कौन सा कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जानी है? आप रोज मैथ पढ़ाते हैं, प्लीज सर आज कोई डिफरेंट बात कर लेते हैं, किसी डिफरेंट टॉपिक पे। तो मैथ्स नहीं पढ़ना? ओके,
और इकोनॉमी भी ठीक नहीं होती। चले तो फिर मैं आज आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड बता देता हूँ। Are you ready for that? So does anyone know के इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? Where did it come from? Anyone? No? Okay. Economy, the word economy was derived from a Greek word called economia. इसका मतलब ये है managing the household. आपके faces देख के लग रहा है कि अभी भी कुछ समझ नहीं आया। All right. I'll simplify it even more. Okay, so let's broaden the horizon. Think about a country. एक कंट्री के अगर हम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं इन अ वे कि वो उसका आउटकम मोस्ट एफिशिएंट हो उसकी गवर्नमेंट और उसके लोगों के लिए, दैट इज बेसिकली द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इकोनॉमी। ऑलराइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। सो मे बी इन अ वे इट्स लाइक सोशल साइंसेस। या एनी, यू आर काइंड ऑफ राइट। इकोनॉमिक्स इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे होते हैं तो वो बेसिकली प्रेडिक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। Now your question would be के human behavior के इसमें क्या लेना देना है? Well, it's very important because जो collective human behavior होता है, that is what decides के आपका जो mutual outcome है किसी भी country का और उसके लोगों का। Like in a way, what I'm trying to say is के you know जो mutual well-being होती है country और उसके लोगों की, वो human behaviors को predict करके ही हासिल की जाती है। क्योंकि human behavior unpredictable होता है। अनप्रडिक्टेबल कैसे होता है? जैसे आज आप लोगों का बिहेवियर है, आप लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ना, दैट इज कॉल्ड अनप्रडिक्टेबिलिटी। ओए साद, ओए खबर सुन, वो इस बार सुना है पाकिस्तान में ज्यादा बारिशों की वजह से आधे से ज्यादा शहर डूब जाने। और एक और खबर सुन जो सबसे बड़ी खबर है, वो अपने शकरगढ़ को ना पाकिस्तान का कैपिटल बना रहे हैं, और अगर एक बार कैपिटल बन गया तो समझो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया, और अगर एक बार एयरपोर्ट बन गया तो बड़े बड़े जहाज भी आगे रुकेंगे वहां पर। यार ये तुझे ये इस तरह की खबरें देता कौन है? वो अपना टिकटॉक। और पहले वो मुझे खबर पूछते हैं, फिर मैं उनको खबर बताता हूँ, फिर वो अपलोड कर देते हैं। ओए ये तुम दोनों की शक्लें आज इतनी मनहूस क्यों लग रही है? ये भाई तो रात को इंटरनेशनल फ्लाइटों पे होते हैं, जब ऐसी हरकतें हो ना तो सुबह शक्ल ऐसी लगती है। और तुम्हें क्या तकलीफ हुई है? मेरी बात तो डोमेस्टिक फ्लाइट ने लगा रखी है। सुबह सर कमर ने मेरी किसी पुरानी परफॉर्मेंस पे मेरी ताजा बेइज्जती की है। अबे ओ, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। बड़ा ही फीका पुराना और सड़ा हुआ जोक था, मगर सिंस ये क्यूट साइलेंट टाइप बॉय है तो एफर्ट के नंबर पूरे दूंगा। थैंक यू सो मच यार। वैसे कुछ दिन अपने घर रख ले भाई प्लीज। देखा, निकाल दिया ना तुझे, वेरी नाइस। यार निकाला नहीं, मगर मेरे घर वाले मुझे सुकून ही नहीं करने दे रहे। मेरे अपने घर पे वो मनहूस गुजरांवाला की 24 घंटे टॉर्चर। टॉर्चर नहीं, प्यार करती है तुझे। वो तुझे अपने तन मन और धन से अपना मान चुकी है, सिंपल। और मैं एक कोबरा बन के उसे डंक मारने के लिए तैयार हूँ, सिंपल। अबे ओ, कितना लकी है तू, तुझे कोई दिल से चाहता है? इतना लकी है तू, क्या फायदा ऐसी चाहत का भाई, मुझे वो जहर लगती है। जहर यार तो होता ही जहरीला है मेरे दोस्त, और तेरा जहर तो खालिस घी में पला हुआ है, खास गुजरांवाला का देसी जहर। ये तुम लोग मिलके मेरे चेजे ले रहे हो ना? चेजे? पंजाबी में मजाक उड़ाने को चेजे बोलते हैं। बरगर आजम, हमने कब मजाक उड़ाया? हमने तुझे समझाया, प्यार का ले ले सरमाया। तुमने उसे क्यों नहीं अपनाया? वाह 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 वाह, बहुत आला। तुम लोग करो वाह वाह, मैं आया। चल तू जा, मैं आया। The longest journeys always begin with the first few steps, and usually the way there is not very easy. But when you get there, it's really worth it. And sometimes the way there is difficult, but then when you get there and you look around, it's always worth it. The reason I take time out before my lectures is I want to feel close to you guys. I want you guys to feel like your teachers are there for you, because ustad hote hain bilkul maa baap ke baad. You guys get my point? Samajh aayi? Wow ma'am. Ma'am aapko na ek academy banani chahiye jahan par teachers ko ye sikhaya jaye ki padhate kaise hain, students ke sath interact kis tarah se karte hain aur unki counseling kis tarah se hoti hai. Really? Yes ma'am, obviously. असल में बात यह है कि जिस तरीके से आप पढ़ाती हैं, समझाती हैं, हमारा एक्चुअली दिल चाहता है कि हम पढ़ें और समझें। Yes, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ही है कि सब समझ आ जाता है। थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आई एम ऑनर्ड।
मैम। यस यस बिलाल। कुछ चीजें समझ तो आ जाती है लेकिन पूछने के लिए कभी कभार वर्ड्स नहीं मिलते। जब सब समझ आ जाता है तो फिर सवाल करना ही क्यों है? नहीं नहीं मैम, फिर कभी। पूछ लो ना सबके सामने, क्या मुझे बता दो और मैं बाकियों को बता दूंगी। क्यों, तू मैनेजर है उसकी? मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ उसकी, क्यों बिलाल? What? Oh, I didn't know के मारिया और बिलाल बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जी मैम, बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, शुरू से इनसेपरेबल से थे। बताओ ना बिलाल, बता दो। हाँ बोल लेना, बताओ बिलाल। बताओ ना बिलाल। यस मैम, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वाओ, you're a lucky boy, she's a great girl. दादी, वो उस्मान जी के कमरे की चाबी कहाँ है? वो अपने साथ ले गया। तो दूसरी चाबी दे। कोई दूसरी तीसरी चाबी नहीं है, सब साथ लेके। क्यों? तेरी वजह से। तो आपने रोका नहीं? उसने मुझे धमकी दी है कि इसने मेरी किसी चीज को भी अगर हाथ लगाया ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। आप भी इसकी धमकियों में आ जाएगी तो मेरा क्या बनेगा? उसके मोबाइल पे अपनी फोटो और लॉक क्यों लगाया? ताकि मुझे देखता रहे और मुझे ही देखता रहे। मुझे ये बता कि तूने उसके मोबाइल का फोल्डर क्यों डिलीट किया? बस एक फोल्डर ही तो डिलीट किया, कौन सी बड़ी बात है? तो वजह? मेरे साथ सेल्फियां खिंचवाते हुए से मौत आती है। फोल्डर खोल के देखो तो हजारों सेल्फियां हैं दूसरी लड़कियों के साथ। ये कोई तरीका है? बच्ची गौर से बात सुनना, वो भी शेर है। मैं दाड़ूंगी ऐसा पंजे खोलकर। वो शेर है तो मैं भी शेर नहीं हूँ गुजरांवाला की, समझ आई? और याद रखना मेरी एक बात, शेर बड़ी बादशाहत झाड़ सकता है लेकिन शेरनी के सामने उसकी एक नहीं चलती। मैं दाढ़ी तो शेर से बागड़ बिल्ला बन के कोने में बैठ जाएगा। चाबी वाले को बुलाएं। या अल्लाह, इसने उस्मान से ज्यादा तो मुझे टेंशन दे दी है। ये तो मेरी भी माँ मान गई है, अगर उस्मान ना माना तो क्या होगा? चलो जब तक मैं आड़ू खा नहीं आ फिर सोचती हूँ। हेलो सरदान। हाय, कैसी हैं आप? बहुत खुश। That's good to know. और आप? मैं तो आज बहुत खुश हूँ। वजह? मैंने नहीं पूछी थी वजह, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, तो बताएं। अच्छा, वेल, जो काम आधी दुनिया आज से पहले कर चुकी है, आज मैंने वो काम किया। अच्छा, ये कौन सा काम है? आप सब कुछ पूछ लेते हैं, इट्स सो एम्बैरेसिंग। I'm on Insta. Oh my God! Welcome, welcome. क्या देख रहा है? भाई ये लड़की तो बहुत ऊपर जाएगी। क्या रिसर्च कर रही हो? बब, सॉरी सॉरी, मैं गलत था। एनीवे, सुने तुम्हारी ट्यूशंस कैसे जा रही हैं? और सुन, ये कोने में ले जाके कौन सी ट्यूशंस चल रही हैं तेरी? कुछ नहीं, वो एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, इतनी एक्स्ट्रा? और अगर उसको इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए और इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो तुम कब पढ़ोगे? तुझे चाहिए, तू भी आ जाए कर, साथ पढ़ लिया कर। क्यों, वो क्यों कबाब में हड्डी बने? क्योंकि दोस्ती में सब जायज है। गुड आइडिया, चल बेटा आज से मुझे भी ट्यूशन चाहिए और सेम टाइम पे एज दैट गर्ल। ब्रो, तू फ्यूचर रॉक स्टार है, तू क्यों चीप हरकतें कर रहा है? ओहो, एटीट्यूड चेक करो बॉय का। हाँ बेटा, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखो, अब से अपन खुद पढ़ेगा। जा जशमाटू, तुझे तेरी ट्यूशन्स मुबारक। नहीं अम्मा, मैं तब तक घर नहीं आऊंगा जब तक घर पे चुड़ैल का साया रहेगा। मैं नाश्ता भी नहीं करके आया गुस्से में।
नहीं नहीं, आप खुद को समझाएं, बल्कि भिजवाएं उसको वापस गुजरांवाला। दादी ने रिश्ता तय कर दिया तो बेटे से रिश्ता खत्म कर दें। दादी ने जुबान दी है ना, तो ऐसा करें उनको दादी को दे दें, दादी को दे दें, गुजरांवाला भिजवा दें दादी को। अच्छा ठीक है, ओके। तू यहाँ खड़ा मेरे घर की बातें सुन रहा? ओ नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा था कि तू यहाँ खड़ा है तो बाकी सब कहाँ है, और वो साथ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे कैसे पता होगा? फोन देना अपना। क्यों यार? मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैंने कॉल करनी है। ये ले। ओ चौधरी को फकीर बोल दिया तूने, रख फोन अपना, नहीं चाहिए। अच्छा बात सुनिए, क्या खा रहा है? ये समोसा। यार देना मुझे थोड़े से चिप्स। ये ले भाई, तू सारा ही ले ले। हैं? थैंक यू यार। याला इसी तरह तेरी राह में कुर्बानियां देता रहूंगा, इन मासूमों को खिलाता रहूंगा, बस उस चुड़ैल से जान छुड़वा ले। जब भी हम जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करने पे निकलते हैं ना, तो तब बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। Exactly. और अगर एनी इतना बड़ा फैसला ले ही लिया तो हौसला भी बड़ा रखना पड़ेगा। Yes, exactly. वैसे यार एनी, तुम्हें भी दूसरे शहर जाकर ही नेकी करनी थी। तो हम नेकी करने से पहले गूगल मैप्स चेक किया करें। Exactly. Shut up. पता भी है वो क्या बोल रहे हैं। आओ हम सेल्फी लेते हैं। जाना तो पड़ेगा मुझे, पर अकेले कैसे जाऊं? अकेले? अकेले क्या होता है, हम हैं ना। हाँ यार, हम भी चलते हैं साथ। हाँ मैं अभी पापा से पूछती हूँ। और वैसे भी मुझे और नौमान को तो किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। बस बस इजी हो जाओ गाइस, आई एम नॉट गोइंग ऑन अ वॉर, मैं लड़ने थोड़ी जा रही हूँ। जा तो तुम लड़ने ही रही हो, और वो भी पराए चेहरों से, तो तुम्हारे अकेले जाने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं बनता है। नहीं तो डिसाइडेड है, अब हम तुम्हारे साथ जाएंगे और हम सब लड़के आएंगे। थैंक्स यार। और हम उस्मान और बिलाल को बोल देंगे कि सब एनी के घर जमा हो जाते हैं और हम उधर से एक साथ निकलेंगे। Hold on, guys, मैं किसी को नहीं बॉदर करना चाहती, पर आई आल्सो डोंट नो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्या कहा था, जब नेकी करने निकलो तो लोगों को शामिल करो। वाह लेक्चर। तो फिर बिलाल और उस्मान? ऑफ कोर्स मारिया, हम उनको ऑफ कोर्स बुलाएंगे। वैसे भी उनको ना बुलाया तो हमें वापस नहीं आने देंगे। क्या करें पुत्र, वो नहीं मान रहा ना। तो बताएं ना उसे, आप समझाएं ना। बेटा जैसे तू समझदार है ना, वो जिद्दी बहुत है। मुझसे ज्यादा जिद्दी तो नहीं हो सकता वो। तू ऐसा कर बेटा, कुछ दिन के लिए अपने घर चली जा, वहां जाके आराम से सो, चिल कर, फिर बता। वाह 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 वाह, बड़ी फिल्म हो तुम दादी। मुझे यहाँ पर बुलाकर, मेरे पूरे घर वालों को मनाकर, मेरा माइंड मनाकर, अब तुम मुझे कह रही हो कि वापस चली जाओ और सोच के आओ। मैं तो नहीं वापस जा रही, मैं तो यहीं पर रहूंगी। पुत्र जी हम क्या कर सकते हैं, हमारे लड़के का माइंड नहीं बन रहा। तो अपना माइंड बना लेना, मैं नहीं कहीं जा रही। अम्मा जी, बाजी ऐसा करें लड़की के घर में फोन कर दे। खबरदार खबरदार जो किसी ने भी घर पर फोन करने की कोशिश की, नहीं तो मैंने अभी के अभी पुलिस स्टेशन फोन करना है और आप लोगों पे ऐसे इल्जाम लगाने कि लेडी पुलिस ने यहाँ पे आना है और अपने हाथ साफ करके जाना है आप लोगों पर। अल्लाह मुझे तो डर भी बड़ा लगता है पुलिस से। बेटा जी तू हमारे खानदान की है, कुछ अकल को हाथ मार, पुलिस को कहने की क्या जरूरत है। हाँ तो मेरे भी दिल का सोचे ना। अल्लाह एटी बिस्ती हो जाएगी गुजरांवाला में, सारे लोग क्या कहेंगे, लड़के के बगैर आ गई है। दादी मेरी फेल्ड लव स्टोरी के मजे लिए हैं आप सबने, और अब आप लोग भुगतेंगे। जो ही वो आता है मेरा निकाह करवाए। उसने नहीं करना। मैंने कहीं नहीं जाना, बल्कि आप सबके सर चढ़कर मरना है, सुन ले मेरी बात। और जब तक उस्मान मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगा, तब तक मैं भूख हड़ताल पे हूं। एनी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। वेरी गुड के बच्चे, अब क्या कहते हो तुम दोनों? कहना क्या है? अभी चलें? All of us together, all of us friends, on a mission. Yes. खोया खोया था ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया।
एक्सक्यूज मी जी, जी वो जी जी वो जोर की नमाज का वक्त हो गया, मेरा फोन डेड हो गया, खड़ी भी घर भूल आया हूँ, आपको नमाज पढ़ते देखा, माशाल्लाह। आप नमाज पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसलिए तो पूछ रहा था कहीं कज़ा ना हो जाए। सुहर की नमाज में कितनी रकाते हैं? जी। क्या हुआ, कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने? जी। 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफल। जज़ाकअल्लाह जी। मैंने हसन से बात की है, उन्हें तुम्हारे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद है उन्होंने क्या कहा था कि अब आइंदा जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तुम खुद हैंडल करोगी, डिसीजंस लोगी। इतनी बड़ी अमाउंट, इतना लालची आदमी है ये लैंडलॉर्ड, अचानक बदल गया। बेटा दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आई विश वो मान जाए। हाँ ट्राई करके देख लेते हैं। और हसन ने तुम्हारे लिए एक और बात भी कही। क्या? That he'll always love you and proud to be a fighter's father. अच्छा ये तो बताओ कितने दिन के लिए जा रहे हो? अम्मी अभी तो एक दिन के लिए। वाह भाई, अभी आपने सोचा ही था कि मौका भी मिल गया। सारे दोस्त जाके जल्दी से एनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आइएगा। कोशिश तो है यार, लेकिन ये प्रॉपर्टी के इश्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। मसला क्या हुआ है? अम्मी मसला ये है कि एक पुरानी प्रॉपर्टी पे एक बच्चों का खैराती स्कूल है। उस स्कूल को फंड करती थी एनी अपनी पॉकेट मनी से और इधर उधर से फंड्स जमा करके। पहले मालिक ने जगह इंस्टॉलमेंट्स पे दी हुई थी, लेकिन अब अचानक उसने डील कैंसिल कर दी है। तो तुम लोग क्या करोगे? हमें नहीं पता। जब पता ही नहीं है तो फिर किस लिए जा रहे हो? ये भी नहीं पता। तो फिर पता क्या है? वाह भाई क्या बात है, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू ऑल। बेटा मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला तुम सबकी दोस्ती को कामयाब करे और तुम्हारी दोस्ती को नजरे बद से भी बचाए। आमीन। ओ यारा तेरी यार यारियां, ओ यारा तेरी यार यारियां, ओ यारा तेरी यार यारियां। यार चौधरी कसम से इतना मजा आ रहा है, इतनी खुशी महसूस हो रही है, तुझे क्या बताऊं। भाई जिस सिचुएशन में हम जा रहे हैं ना, परेशान होना बनता है। ओ भाई हम पे सिचुएशन तो आई कम से कम, वो भी सोच इतनी फिल्मी सिचुएशन, सारे बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ, एक सफर एक मंजिल, और इस एक्साइटमेंट के चक्कर में ना वहां जाके कोई पंजाबी खड़ाक ना कर देना। यार चौधरी मेरी बात को समझ, हम जिस पिंड से आए हैं ना वहां पे ऐसी फिल्मी सिचुएशंस सिर्फ फिल्मों में ही आती हैं, कि सारे बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ ट्रिप्स पे निकले में। हाँ हमारी दोस्त ना परेशान है। वो तभी तो, हमें परेशान नहीं होना, हमें तो खुश रहना है और उसका हौसला बढ़ाना है। भाई इस हौसले के चक्कर में कोई नुकसान ना कर देना, और ध्यान से ये ना हो कि अगली दफा तुझे एडवांस में इनकार कर दे। यार तू भी ना वैसे बड़ा मनहूस इंसान है, छोटी छोटी खुशियां भी महसूस नहीं होने देता। ये मसला तो मैं ऐसे हल करा लूं, ऐसे अभी अब्बा को कॉल करूं, अब्बा ये सारा मसला ऐसे हल कर ले। तेरा अब्बा? हाँ मेरा अब्बा। देखिए जितने MNA MPA जितने भी है ना, ये सब मेरे अब्बा के पास आते हैं, एक कॉल करने की देर है सारे मसले हल। ओ भाई बस कर दे यार, कभी पॉलिटिशियन बन जाता है, कभी न्यूटन बन जाता है, और कभी शकरगढ़ में बुर्ज खलीफा खड़ा कर देता है, तू चीज क्या है? जेलस आदमी, जेलस ही होता रहे बस तू। पापा पानी।
अच्छा तो आप नहीं जाओगी? मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। क्यों? पता नहीं, शायद उन्हें लगा कि मैं नहीं जाऊंगी या परमिशन नहीं मिलेगी। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों।